मित्रों, कोई व्यक्ति है, कमलेश करके नाम है उसका, जालौन का है। आज सुबह उसकी रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा था। हमारे एक भाई हैं छोटे लाल, वो किस तरह से उनसे झड़प रहा है ये बहुत सुनकर के कष्ट ये पहुंचा कि बताइए, चौकीदार चौकीदार को ही हड़क रहा है, नंबर एक। दूसरी चीज, हद तो तब हो गई जब उस व्यक्ति ने यह कहा कि 14 वाले धरना में जाके अन्नू त्रिपाठी ने क्या उखाड़ लिया। ठीक, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, मैंने ये उखाड़ा है, फिर हम बात करें। सरकार लगाएगी आउटसोर्सिंग नीति, मानदेय भुगतान से लेकर अन्य सुविधाओं में आएगी पारदर्शिता। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार न सिर्फ उनके चयन बल्कि उसके बाद मानदेय व अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग नीति लाने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा और समय पर मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। तो अब आपने वीडियो देख लिया है ना, ये 14 तारीख को हम उखाड़ करके आए हैं, खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। ठीक, तुम्हारी औकात भी नहीं है ये सब कराने की, जाइए मुकदमा लगाइए 1486 का, और उसी में लड़ते रहिए, उसी में लड़ते लड़ते अपना जीवन खत्म कर दीजिए। लेकिन याद रहे कि वेतन वृद्धि तो होगी चाहे जैसे भी हो, और दुर्भाग्य से तुम्हारे जैसे लोगों को भी मिलेगा पैसा। लेकिन याद रखना कि ईश्वर तुम जैसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं है। इसका जवाब मैं तुम्हें इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने विरोध करना और जवाब देना बंद कर दिया। जीवन में ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा जो तुम लाक्षण लगाते हो लोगों पर। बताते हो अन्नू त्रिपाठी में दिल्ली में जाके भीख मांग रहा था, ये सब ऊपर वाला देख रहा है। अगर सच में हमने अगर सेवा भाव से आपके साथ कार्य किया है तो मेरा अच्छा होगा, और आप जैसे लोग हमें रोक नहीं पाओगे। और ज्ञात होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, वो बाहर के ही व्यक्ति को रखा जाता है, किसी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है। लेकिन फिर भी किसी को अकल ना आ रही, कोई अन्नू त्रिपाठी नहीं आ रहा है बनने के लिए। ठीक, दूसरी चीज, कोई नया चेहरा आपके पास है बाहर का, ना कि बना दीजिए उसको, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जो आज पासवान जैसे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे, जिस दिन इनके ऊपर गाज गिरेगी पता है आपको, खुद देख लीजिएगा क्या हालत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो व्यक्ति नौकरी सरकार से जुड़ी हुई ना करता हो। कान खोल करके सुन लो ना, अगर नियम कानून पता हो तो जाकर के पता कर लेना, उसके बाद बताना। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में तो कोई भी बन जाता है, लेकिन जिस दिन कोई भी ऐसे अकृत उन्होंने किया और जांच पड़ी, अगर ये पाए गए कि चौकीदार हैं, तो यकीन आप मानिए कि इनके ऊपर कौन से धाराएं लगेंगी, भगवान मालिक। जो अभी जो लोग उनके साथ उलर रहे हो ना, आपको दिक्कत होगी, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन आप प्रदेश लेवल पर काम कर सकते हैं, जैसे आपका प्रदेश में चौकीदार है तो प्रदेश में करिए ना, प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, जिला अध्यक्ष बन जाइए। वो ये हो जाता कि भाई चलो अपनी कमेटी को एकजुट करके अपनी आवाज उठा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब होता है पूरे भारत में काम करना। हिम्मत है भारत में काम करने की? जा पाओगे दूसरे के उसमें, अगर हमें प्रदेश में लट मार के भगा दिए जाओगे भाई, अगर जात पड़ी गई। यार कैसी बातें लोग करते हो यार, मुझे तो बड़ा चिंता होती है कि ना समझी के बाद भी समझ नहीं रहे। अरे ठीक है, मैं समझ लूं, ना समझ हो तो समझा रहा हूं, तो उसको भी नहीं समझ रहा कोई। तो मित्रों, ये जो खबर है अब आप लोग खुद सुन लीजिए, देख लीजिए। आपके जो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनियादारी के ठेकेदार बैठे हैं, इनने कहूं आपको खबरें दी। मैं 27 तारीख से आपको लगातार आपको सबसे पहले खबर दे रहा हूं, और हमेशा इस चैनल ने आपको सबसे पहले खबर दी और सटीक खबर दी। ये नहीं दिया कि वेतन हो गया 18,000, सच्चाई बोला है हमेशा। मैं 28-27 तारीख से ही मैंने कहना स्टार्ट किया था कि भाई 5 अक्टूबर से, शायद आपको याद होगा, इस बात को ध्यान रखना, जो लोग कॉल किए उनको भी यही बताया गया है, 5 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक, एक महीने तक आउटसोर्सिंग विभागों के ऊपर वार्ता होगी और उनके बजट को लेकर कार्य होगा, उनके मानदेय में वृद्धि होगी, मानदेय जो है वो समय सीमा पे मिलेगा। मैं लगातार बोल रहा हूँ, और आज देख लीजिए ये खबर भी धकाधक चल रही है। ये छोटे मोटे चैनल पे नहीं चल रही, बड़े चैनल की खबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे ग्रुप में आई, मैंने इसको देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज 4 अक्टूबर को भी योगी जी ने ये निर्देश दे दिए हैं। आप बताइए झूठा कौन है,
झूठ और मक्कार कौन है? आखिर ऐसा झूठ वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को मैं देखता हूँ, जितना ही लोग हमारा वीडियो देखते उतना उस व्यक्ति का देखते हैं। आखिर क्यों यार, क्या झूठ के साथ झूठ ही बनना चाहते हो भाई? अरे कम से कम सच्चाई का साथ दो। ऐसे झूठे मक्कारों को देख देख करके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। अरे आप किसी भी संगठन से जुड़े हैं, हमें उससे मतलब नहीं है भाई। मेरा मतलब बस इतना है कि कम से कम एक साथ अपने चौकीदार परिवारों के लिए तो एकजुट खड़े हो जाओ। ये जो 5 तारीख से होने वाला है, ये 14 तारीख की देना भाई साहब। चाहे कोनो पार्टी वाला बनता हो, चाहे कोनो बनता हो, इन किसी की औकात नहीं है तो सही सूचना देना। मैं जब सूचना सही देता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, तब ये लोग नकल करके बोलते हैं। इस चीज को आप लोग समझिए कि सदैव हमने पहले खबर दी है आपको, हमेशा आपको सही रास्ता बताया है, कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया जिसमें हमने झूठ बोल दिया हो। मतलब हद है लोगों की मानसिकता में। तो ये खबर भाई मेरे सही है, बहुत जल्दी ही योगी जी इस पे एक्शन लेंगे, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी भूख हड़ताल है, जो भी करना है, तो जो भाई हमारी आवाज सुन रहे हैं वो इसी महीने में ही भाई कर लो, क्योंकि अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा, ये भी बता दे रहा हूं। जय हिंद।